तो सब कुछ हो सकता है, पर यहां नहीं होगा अहमदीना, मेरे इलाके में नहीं होगा। जो ऐसा करेगा वो खुद पड़ेगा। चाय पियो, ठंडी हो रही है। जी नहीं चाह रहा यार, समझ में नहीं आता क्या करूं, किस मुंह से जाऊं दानियाल साहब के सामने। भाई दावे, कितने मुंह हैं आपके पास? मजाक ना करो यार। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। अभी भी वक्त है, अपना सच्चा और असली चेहरा लेके अपने साहब के पास जाओ और उनको सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि झूठ एक दलदल होता है, आदमी नीचे ही नीचे उतरता चला जाता है। वो क्या सोचेंगे यार, उन्होंने मुझे थर्ड डिवीजन मैट्रिक पास को गांव से बुलाकर अपने खर्चे पर यहाँ मुलाजमत दी, अच्छा ओहदा दिया, एतमाद दिया, और मैंने थोड़े से पैसों के खातिर उनके एतमाद का खून कर दिया। जो होना था वो तो हो गया, अब आगे की सोचो। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो लोग इतने खतरनाक होंगे, वो पूरे गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर होंगे। ये भी दुबई है, कोई पाकिस्तान नहीं, जहाँ थाने के थाने बिक जाते हैं। यहाँ तो सुरते शेखों को माफ नहीं करते। यार तुम्हें पता होता नहीं और खौम खा बीच में बोले जाते हो। अल्लाह ने भी भारत बाहू, क्या हो गया यार? ये सेठ जब्बार वगैरह फ्रंट मैन है, इनके पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं, और इनके लिए तो कानून भी अलग है, और जो कानून तुम्हारे हमारे लिए है वो उन पर लागू नहीं होता। इस बात का शुरतों को भी अच्छी तरह से पता है। हाथियों की लड़ाई में नुकसान फसलों का होता है। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो अपने दानियाल साहब के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, और दानियाल साहब, उनका तो दिल समुंदर जितना बड़ा है। और क्या, दानियाल साहब ने तो शहदाद नगर की किस्मत बदल के रख दी है, वरना हम लोग तो सारी उम्र कमी के कमी ही रहते, चौधरियों के जुल्म सितम सहते और जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार कर कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते। गांव का कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ से उन्होंने बंदे बुलवा बुलवा कर यहाँ नौकरी पे ना लगाया। अभी कल ही 10 आदमी और आए हैं। जीशान उनका सौतेला बेटा है, अरब बाप का खून है, लेकिन उनकी तरबियत ऐसी है कि वो हमसे ज्यादा पाकिस्तानी है। खैर तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलना दानियाल साहब के पास। यार इसे जल्दी से ले जाओ, देखो इसकी क्या हालत हो रही है। अल्लाह नबी वारिस। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या बिरयानी? तुम्हें कैसे पता चला? खुशबू से? तुम ये कहां से बोल रहे हो? दरवाजे के बाहर से? अरे आ जाओ, मैं आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ, मैं बाहर ही बैठा हूं। मैं देख रहा हूं। कैसे हो? अरे भाई बात रुकते हो गए, ये अपनी जगह है। आओ जब्बार, अब दुबई बैठिए। तशरीफ़ रखिए। ये जब्बार बड़े काम के आदमी हैं इकराम साहब, दुबई को इनसे ज्यादा शायद ही कोई जानता और समझता हो। जिक्र बहुत सुना था आपका, आज मुलाकात भी हो गई। क्या पियेंगे आप? इसे पीने की ऑफर ना करें। हाँ जी, जी ही ड्रिंक्स लाइक ए फिश जी। अरे अब वो जमाने कहाँ सरफराज, अब तो। अरे जब्बार, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। जी हाँ, तुम बहुत कच्चे आदमी हो। जी हाँ, जी हाँ चौधरी साहब, ये राजेंद्र का नाम तो यूँ ही बदनाम हो गया, परियों के जत्थे पाल रखे जी इसने। हाँ। अरे वो सब तो आप जैसे मेहरबानों के लिए है। ये जरा ब्लू मून होटल वाला मामला सेटल हो जाए, फिर इकराम साहब को जहमत लेंगे। भाई साहब, ये दानियाल जो आदमी है ना जी, ये जब्बार को बहुत तंग कर रहा है। सुना है जी आपके इलाके का आदमी दानियाल? वो और उसके बाप दादा हमारे कम ही हुआ करते थे। उस कमजात के पास चार पैसे क्या आ गए हैं, अपनी औकात भूल गया है। उसके अगले पिछले अब भी सब शहदाद नगर में राया है हमारी।
जान जैसी मरी या फिर कोई बहुत ही पुरानी रूह है मेरे अंदर। देखो ना, शहदाब नगर में मैं कितना अच्छा रही, एक साल में 4-5 हफ्ते, यानी अपनी होश के 10-12 साल। ओ, तो इसका मतलब है कि तुम 2 साल की उम्र में ही होश में आ गई थी। खैर, अब मैं इतनी भी छोटी नहीं, उम्र कम बताने से औरतें खुश होती हैं, लड़कियां नहीं। अच्छा अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी, एक तो तुम्हें आपको जबान का फिसल जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभी उसका फायदा भी हो जाता है। अब देखो ना, तुमने मुझे तुम कह के पुकारा तो कितना अच्छा लगा मुझे। मैं भी आपसे कुछ खास खुश नहीं, आदमी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है ना। वैसे अंग्रेजों ने अच्छा किया, एक यू में एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक को निपटा दिया। मैं क्या बात कर रही थी, मैं शहदाब नगर से अपने नॉस्टैल्जिया के बारे में कह रही थी कि मैं बहुत कम अच्छा रही हूँ वहाँ, लेकिन फिर भी वो जगह मुझे बहुत हॉन्ट करती है। तुम्हें भी याद आती है? मुझे मुझे क्यों, तुम कभी वहाँ नहीं गए? मैं क्यों जाऊँगा भाई, मेरा क्या ताल्लुक? तुम्हारे वालदैन का तो है ना, उनका तो खानदानी ताल्लुक वहीं से है ना। मेरे वालदैन? अच्छा अच्छा, तुम मेरे डैडी के होम टाउन की बात कर रही हो। क्या नाम दिया था तुमने? शहदाब नगर, लगता है तुम्हारी पैदाइश यहीं की है। कोर्स, फिर भी इंसान को अपनी रूट को इतना डिस्टोन नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन हम बिलोंग तो वहीं से करते हैं ना। तुम करती हो, मैं नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे ख्याल इस तरह के होंगे। किस तरह के? यही जो तुम अपने मुल्क से अपना ताल्लुक तोड़ रहे हो। भाई मैं तो कोई ताल्लुक नहीं तोड़ रहा, तुम देखो ना, मेरा यही वतन है, यही जगह मेरा मुल्क है। यहाँ की हुकूमत को अपने ख्याल से आगाह करो, मुमकिन है तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाए। क्या मतलब मिल जाए, मैं यहाँ का लीगल नेशनल हूँ। लेकिन मैंने तो सुना था कि वो फॉरेनर्स को नेशनलिटी नहीं देते, चाहे वो यहाँ पैदा हुए हैं। ओके ओके ओके, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। असल में ये जो मेरे डैडी हैं ना, दानियाल साहब, ये मेरे डैडी नहीं हैं। ही इज़ नॉट माई रियल फादर। यानी तुम? मेरी वालदा तुम्हारी तरफ की हैं, यानी सब कॉन्टिनेंट की। मैं जब 6 माह का था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मेरी वालदा ने दानियाल साहब के साथ शादी कर ली, और इसी तरह दानियाल साहब मेरे डैडी बने। बट आई लव हिम वेरी मच, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वेरी लविंग, केयरिंग, अपराइट पर्सन। ओह, यानी कि उनका ताल्लुक है शहदाब नगर से? मुमकिन है, लेकिन मेरी कभी इस मौजू पर उनसे बात नहीं हुई। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, चलें। चलो। माँ, जब बच्चा बीमार हो तो माँ का क्या? Listen, I am not interested in his business matters. वैसे वो जो भी कुछ कर रहे हो ठीक ही कर रहे होंगे। हाँ हाँ, आपके भाई का घर है, इसी से आए। मगर किसका फोन था, क्या बात है? कुछ नहीं, वो आपने दवाई ली। अब बैठिए। अरे दया, इतने वर्षों में आज पहली बार
आपने मेरी किसी बात को टाला है। मैंने आपसे पूछा था कि किसका फोन है, आपने बताया नहीं। आप परेशान लग रही हैं, बताइए खैर तो है? नहीं सब खैर है, वो खालिद के भाई का फोन था। कौन है? अहमद का? नहीं, साथ का। आज इतने बरसों के बाद उन्हें आपकी याद कैसे आ गई? वो होटल ब्लू मून का मामला है, जैसे उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। क्या मुसीबत, कौन है ये लोग? जैसे मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, आपको अंदाजा नहीं है सीधा अजीब अजीब तरीके से मुझ पर दबाव डाले जा रहा है। ये सेठ जब्बार पांच बार आपके लगता तो नहीं था। कहते क्या है? वो फिलहाल तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कायम रखना चाहता है, जिसकी मुद्दत 5 साल है और उसके बाद जो है निगोशिएबल है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन इसका सारा मसला जो है ना, आपको पता है वजह है फैयाज। उस अहमक आदमी ने इस कॉन्ट्रैक्ट के माहिदे की जो जबान है वो इस कदर कमजोर और झूल रखा है, जिसकी वजह से हमारा सारा केस जो है कमजोर हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो आप करते हैं, आपने देखा नहीं क्या? हाँ सही है, लेकिन रोजाना मेरे पास बेतहाशा कागजात आते हैं साइन करने के लिए। अब मैं हर कागज को इतनी तफसील से तो नहीं देख सकता। अब वैसे भी मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ लोगों के जिम्मे कर दिए जाते हैं, अब फिर ये तो रूटीन का काम है, और वैसे भी ये प्रोफेशनल लोग जो है उसका ड्राफ्ट बनाते हैं, और इस किस्म के माहदे और एग्रीमेंट जो है ना उनकी इबादत का बड़ा सेट पैटर्न होता है। खैर इसको दफा करें, ये मामले तो चलते रहेंगे। अहम बात यह है कि पहली दफा आपके मरहूम शौहर खालिद के भाई साहब ने आपको फोन किया है किसी काम के। अब देखना यह है कि इस सूरत में क्या करना चाहिए। तो आप देख लीजिए ना, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सारा मामला जो है पहले दिशा से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आपको हैरत होगी कि इस मामले में वो मुझसे ज्यादा पाकिस्तानी बना हुआ है। लेकिन मैंने ये सुना है कि इस तरह की हरकतें तो बहुत से होटलों में होती हैं। हाँ वैसे ये कोई नई बात नहीं है, ये काम हमेशा से होता आया है, और आमतौर पर बने वक्तों में शायरी शहरों और बंदरगाहों में ये खैरा खाने होते थे। लेकिन हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये काम हमसे मंसूब किसी इमारत में ना किया जाए। फिर मुशरे के साथ पाकिस्तानी लफ्ज जो है ना, इससे मुझे नफरत है, इसको हर हाल में खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह के कारोबार में हमारे और आपके मारूफ नहीं चल सकते। बेगैरती का सौदा करने वाले अगर ऐसा सोच लें तो ऐसा काम ही क्यों करें। ओहो ये बात नहीं है यार, बंदा शर्तें लगाता है हार भी जाता है, लेकिन अफसोस इस बात का कि टीम जज्बे के साथ खेली नहीं। सुबह 8 बजे ग्राउंड में पहुंचना होता है और रात को 3 बजे तक इनकी आवारा गर्दियां खत्म नहीं होती। तुमसे क्या चीज छुपी है? आई एम कैपिस्ट यू नो। तो ऐसी बात है तो कल फिर मैच है, श्रीलंका पे लगा लो, सुना उसका रेट भी ज्यादा है। मैं पाकिस्तान के खिलाफ शर्त नहीं लगाऊंगा। और अगर हार गई तो? हार गया अपना मुकद्दर, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो शर्त नहीं लगेगी। शर्त तो शर्त होती है ना। अरे होती होगी यार, मुझे क्या। अरे व्हीकल मंदी का तकाजा ये है कि आप हमेशा बेहतर घोड़े पर शर्त लगाएं। यार ये घोड़ों की रेस भी अजीब चीज है, चंद घोड़े होते हैं 6-7 और हजारों लोगों को पीछे लगाया होता है। तो सियासत में क्या होता है, चंद सियासतदान होते हैं और हजारों करोड़ों आवाम उनके पीछे लगी होती है। हाँ मगर दौड़ फिर भी जारी रहती है। और अल्लाह नबी वारस अब क्या हो गया? तो यार मैंने फयाज को कहा था कि वो तुम्हारे पापा से उसे माफी दिलवानी है, उसे वहां लेके जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं यहाँ बैठा हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
असल बात और फालतू बात के फर्क को समझना बहुत जरूरी है परवरदार। भाई सियासत कोई ऐसा खेल तो है नहीं कि जिसके कोई बकायदा असूल हो। ये तो वो गोरे प्रधानों की रखने की तरह होता है। वो टीवी में चलाते कि बारी बारी से बहुत सारे प्रधान रिंग में आते हैं और फिर इस तरह रेकर जाना शुरू करते हैं कि अभी मेरे को खेला जाए। जी हाँ, उसे रॉयल रंबल कहते हैं। नाम कुछ भी हो, देखने वाली बात तो ये है कि देखो ना कि किस तरह एक ही लम्हे में किसी की मदद करते हुए वो उसके मद्दे मुकाबल को मारता है पहलवान और उसके बाद खुद उसके मद्दे मुकाबल आकर लड़ना शुरू कर देता है। तो आपका मतलब यह है बाजान कि मैं आपकी मुखालिफ पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ दूं? बिल्कुल। वो तो ठीक है, लेकिन अबाजान लोग क्या कहेंगे? और कौन से लोग हैं? ये जिनको हम ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के बैलेट पेपर पर ठप्पे लगवाने के लिए ले जाते हैं, बेचारे ये तो कुछ कहने से रहे। और जो लोग कुछ कहने की पोजीशन में है वो इसलिए नहीं बोल सकते कि इस हमाम में सारे नंगे हैं। जरा चारों तरफ नजर दौड़ाओ, है कोई ऐसा खानदान जो सिर्फ एक पार्टी से जुड़ा हुआ हो? हर बड़े खानदान ने अपना एक ना एक बंदा किसी ना किसी पार्टी में घुसाया हुआ है और मैं समझता हूं कि ऐसा होना भी चाहिए, इसलिए कि अपनी तरक्की और हिफाजत हर तबके का हक है। वो तो मैं समझता हूं बजान, लेकिन आप देखें ना, आपके पार्टी के लोग क्या कहेंगे? आपकी वजह से मेरा भी उनके साथ रात दिन का उठना बैठना है, मिलना जुलना है, सलाम दुआ है। ओए हाँ हाँ, यही तल्लुक मैं तुम्हारी पार्टी से रखूंगा। मैंने सुना है अब्बा जान कि वो कमालदीन का बेटा जमालदीन जो वकील है वो खड़ा हो रहा है और उसे उस पार्टी की सपोर्ट भी हासिल है जिससे आप मुझे खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। और नहीं नहीं, उसकी तुम फिक्र ना करो, मेरी बात हो गई मुतलका लोगों से, टिकट तुम्हें मिलेगा। हाँ हाँ, अलबत्ता इस कमालदीन का कुछ करना पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा ही पारपुर्जे निकाल ली इन लोगों ने। अब्बा जान, ये सब कुछ उस दुबई के पैसे का किया था। हमारे सैकड़ों लड़के वहां जा चुके। अब आप देखें ना, पिछले दिनों 10 लोग मेरे पोल्ट्री फार्म की यूनिट से चले गए। अब तो कोई आदमी काम के लिए मिलता ही नहीं और जो पीछे रह गए वो भी पर तोल रहे काम के लिए, को तो आगे से नखरे कर। ये सब उस हराम खोर दानियाल की वजह से हुआ है। एक दफा, सिर्फ एक दफा मेरे इलाके में कदम रख दे और मैंने अगर उसकी लाश के टोटे कुत्तों को न खिलाए तो मेरा नाम भी अरसाम नहीं है। मेरे ख्याल में अब्बाजान, उसके खानदान के लोगों को काबू करना पड़ेगा। तोते की जब टांग मरोड़ी जाती है ना, तो जादूगर खुद चीखे मारता हुआ हमारे कदमों पे आके गिरेगा। हाँ, यही तो मुसीबत है। उसके सब नजदीकी रिश्तेदार जो है वो या तो उन्होंने अपने पास बुला लिए या शहरों की तरफ चले गए। वो ले दे के एक उसका बड़ा भाई मुबारक अली रह गया, लेकिन वो हमारा पुराना वफादार और हिदायतयार आदमी है। ओहो अब्बा जान, मगर इस तरह तो ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे, इसका कोई सद्भाव होना चाहिए। खैर पुत्र, मैं निकलने नहीं देता इनको। हाँ, फर्क तो जरूर पड़ा है। अरे पेट को दो टाइम की रोटी मिलनी शुरू हो जाए ना तो आंखें उठना और इधर उधर देखना शुरू कर देती हैं। हमला हमेशा जड़ पे करना चाहिए। आज इनकी रोटी छिल जाए तो कल को इनकी नजरें हमारे जूतों से ऊपर नहीं उठ सकेंगी। जूती तो उतार ली थी, बस मारने की कसर बाकी थी। बाजी, ये कैसे हो सकता है? चाची तो चाची चाची के कान भरने वाले बहुत हैं वहाँ। फिर भी सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। हाय, वो जमाना गया, जब से देवर दुबई गया है सारे घर में किल किल मची रहती है और चाची तो तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी रहती है कि तुम भी जाओ, जाकर चार पैसे कमा लो। मगर तुम्हारा भाई, मैं समझ गई,
ये सब अब्बा जी की वजह से हो रहा है। और क्या, अब्बा जी की जिद भी काठे बेर की तरह है। इसका सर तैरी नहीं है, इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें किस बात की सजा है? आज तो मैं अब्बा जी से साफ साफ बात करके ही जाऊंगी। तुम बात मत करना, पहले मैं बात करूंगी। अब्बा जी मेरी बात का ज्यादा लिहाज करते हैं। ठीक है, उन्हें साफ साफ बता देना, अगर उन्होंने अपनी जिद कायम रखी तो कोई बाइज नहीं है, बाकी की जिंदगी मेरी इसी घर में ही गुजरे। चाची ने तो मुझे खास तौर पे कागज दिलवा देना है। अरे बाजी, तुम तो खामखा बात को इतना बढ़ा रही हो, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। देखा जाए तो उनकी बात कोई गलत थोड़ी है, अब्बा जी खुद चाचा दानियाल से नाराज हैं। चलो ये भाइयों की आपस का लड़ाई का मामला है, मगर अब ये जिद के दामाद दुबई नहीं जाएगा, इसलिए कि अगर चाचा दानियाल ने उसकी मदद की तो उसकी दस्तार पर दाग लग जाएगा, मुझ नीचे हो जाएगी। उनकी जिद्दी ऐसी है, तुम्हें याद नहीं कितने फखर से कहा करते थे, चाचे शीदे से मेरी 30 साल की जारी है, लोग मिसालें देते हैं हमारी दोस्ती की, मगर अब 26 साल हो गए हैं, बोल कलाम तक नहीं उनका। जो आदमी 15 साल तक बहनोई से हाथ मिलाने का रवादार ना हो वो कुछ भी कर सकता है। अब बहनोई से ज्यादा नाजुक रिश्ता कोई हो सकता है? ये तो फूफा अकबर की पढ़ाई है कि उसने इसके बावजूद भी अपनी जिंदगी में और फूफी की जिंदगी में असर नहीं होने दिया। भाई और... राबिया बेटी भी आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी वो पुत्र कहाँ है, वो तुम्हारे वो छोटे छोटे वो दोनों घर पर ही हैं। अच्छा हाँ जी। उन्हें भी ले आती, यहाँ रौनक हो जाती। ये ले पुत्र फातिमा, ये जो दुख जो कुछ तुमने लेके दिया था ये गिन ले अपने लिए, और ये ले चूड़ियाँ, ये तुम्हारी मामी बुशरा ने भेजी है, और उसने कहा था कि फातिमा से कहना कि ईद वाले रोज का है। बहुत खूबसूरत है, अल्लाह तुझे नसीब करे। जी। मैं जरा कल अस्कीना की तरफ जाना चाहती हूँ, मैं वो काफी बीमार है, जरा उसका पता करके आती हूँ अभी। चलो रोटी खा के चले जा, मुझे अभी भूख नहीं है, वापस आकर खा लूंगी रोटी। ठीक है। अब्बा जी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जहाँ आदमी को अपना मुंह बंद करना पड़ता है। सवेला को तुम्हारी वो बात बड़ी पसंद आती है, वो हर एक को सुनाती भी जाती है यार। वो कौन सी बात? वो जिसमें एक मक्खा जो है मक्खी से कहता है बड़े रोमांटिक अंदाज में कि डार्लिंग ये बताओ कि हम घर पैदल चले कि यहाँ किसी कुत्ते पर बैठ। इसी तरह का एक ताजा और आया है, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूँ। तुम कहाँ चलाते हो ऐसी बातें? अभी सुनाता हूँ। मशरकी पंजाब की एक बस में कुछ लोग सफर कर रहे थे, कंडक्टर ने एक मुसाफिर से पूछा कहाँ जाएंगे, उन्होंने कहा जी अनंतपुर। पास बैठे हुए एक सरदार जी ने कस के थप्पड़ उनके मुंह पे मारा, अनंतपुर साहब का। उन्होंने कहा जी अनंतपुर साहब की एक टिकट दे। अब कंडक्टर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, वो ये मंजर देख चुके थे, कहने लगे जी अम्बाला साहब जाएंगे। उस सरदार जी ने उसको भी थप्पड़ दे मारा। ये अम्बाला साहब कब से हो गया? अब तीसरे मुसाफिर से कंडक्टर ने कहा जी आप कहाँ जाएंगे, वो तो पूरा मंजर देख चुके थे। उन्होंने कहा कि जी ये पैसे ले लें, जहाँ का ये महाराज कहते हैं वहाँ का टिकट दे दे। कमाल है भाई, कमाल। और कमाल की बात ये है कि ये मेरे एक सरदार दोस्त हैं, उन्होंने मुझे सुनाया। वो गया हुआ जरा गाँव आएगा, तुमसे मिलाऊंगा, बड़ा मजेदार आदमी अभी वो। चलो यार ये तो ठीक है, लेकिन वो पुरस्कार हसीना अभी तक नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने हमारे से मजाक किया? नहीं नहीं, जैसी बातें तुमने बताई हैं तो उससे वो मुझे बिल्कुल दुखी परेशान लगती है, जिसे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। वो तो ठीक है, लेकिन ये परेशान औरत किसी इतने बड़े होटल में तो नहीं बुलाती ना यार? एक तो तुम्हारी समझ में नहीं आती, पहले कहते तो जाना है फिर कहते तो नहीं जाना है, पंखे के पास जगह लेके दी इतनी मुझे जगह, कमाल यार कमाल कर दोगे। जब उससे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती, उस औरत की आवाज में ऐसी बेबसी और इल्तिजा थी कि मुझसे रहा नहीं गया। रहा नहीं गया ना, तो आप भूख तो परेशान ना हो, अल्लाह नबी बारक। ये वेटर कहाँ मर गया?
शुक्रिया आप लोग आ गए। और आपने क्या? जी मुझे आप बैठिए तो सही। मिलने बनाते हैं लगता है आदमी संकट में बढ़ती है। ये मेरा दोस्त है बिलाल, हम इसे प्यार से बिल्ला कहते हैं। जी मैंने पहचान गई, ये उस रात भी आपके साथ ही थी ना? जी शान ने तो बताया था कि बड़ी मजबूर और मुसीबत ज़दा खातून का फोन आया, मगर आप तो माशाल्लाह अल्लाह नबी वारिस। समंदर की तह में क्या है अंदाजा साहिल की रंगीनियों से नहीं लगाया जा सकता। ये तो है, काफी अच्छी मिसाल दी आप। जी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल वो लोग मुझे गलत रास्ता अख्तियार करने पे मजबूर कर रहे हैं। कौन लोग? वही सेठ चपार और उसके आदमी। मेरी बात का बुरा ना मानना बेबी, इन क्लबों में जो लड़कियां नाचती हैं उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है और कहां जाना होगा। ये मुजरे शुजरे कोई शरीफ घरों की औरतें तो नहीं ना करती? सबसे पहली बात तो ये, मैं मुजरा नहीं करती, सिर्फ गाना गाती हूँ। अब आप ये पूछेंगे कि मैंने गाने के लिए हामी क्यों भरी, सिर्फ इतना कहूंगी कि अल्लाह किसी पे बुरा वक्त ना लाए। कोई भी औरत अपनी मर्जी से जिल्लत की जिंदगी कबूल नहीं करती। देखें आप हौसला रखें, आप बताएं कि आपका मसला क्या है, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। मेरा पासपोर्ट और वापसी का टिकट उन लोगों के कब्जे में है, बस आप लोग मुझे वो दिलवा दें। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि शायद इस तरह मेरे घर के फाके दूर हो जाएंगे, लेकिन लेकिन अब इस सौदे में मेरी इज्जत भी शामिल हो गई है, और इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। इसका मतलब है कि वो लोग आपको गाने का कहकर लाए थे और अब तो बहुत बहुत घटिया हरकत है। और वो जो मिसल है ना कि कोलों की दलाली में मुंह तो काला होता ही है, तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, इसे यहाँ आने नहीं चाहिए था। भाई वो जो गलती होनी थी वो हो गई, अब आगे की सोचो, हम इस मामले में इनकी किस तरह मदद कर सकते हैं। कितनी देर का वीजा है आपका? एक महीने का शाह साहब ने बताया था, दो दिन आने जाने के निकाल कर 28 शो होने थे, और उन्होंने कहा था कि ये हर एक महीने बाद हुआ करेगा। ये शाह साहब कौन है? मेरे वाले साहब के दोस्त। अच्छे दोस्त। उनका हमारे घर में आना जाना था, सारे हालात उनके सामने थे, अब्बा के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। एफए तक मैंने तालीम हासिल की है, दो भाई और दो बहनें मुझसे छोटे और एक बीमार माँ। पहले तो मैंने एक स्कूल में नौकरी की, लेकिन ये दुनिया इतनी घटिया क्यों है निशान साहब? जी वो बस क्या कह सकते हैं कि मगर इस सारी बात का तुम्हारे गाने से क्या ताल्लुक? मेरी आवाज अच्छी थी, स्कूल और कॉलेजों में काफी इनाम हासिल किए थे, बस शाह साहब ने कहा। और यार बात एक मिनट यार, आप फिक्र ना करें खातून, आपका पासपोर्ट भी वापस मिलेगा और आपका टिकट भी, और इंशाल्लाह ऐसा बंदोबस्त हो जाएगा कि आप अपने घर वालों के साथ इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी गुजार सकते। आप ऐसा कीजिए कि